कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। घाटी में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकवाद पर तगड़ी चोट की है। पुलवामा में एनकाउंटर हुआ है जिसमें दो आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। इन आतंकियों की पहचान एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के रूप में हुई है। ये दोनों अलबदर से जुड़े स्थानीय आतंकी बताए जाते हैं। इनके पास दो AK-47 राइफल भी बरामद हुए हैं। मार्च अप्रैल में प्रवासी मजदूरों पर हुए सिलसिलेवार हमले में इन दोनों के शामिल होने की भी खबर है। प्रवासी मजदूरों पर हमले में शामिल थे ये दोनों आतंकी। सुनील जी बात हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील जी, और क्या जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई, क्या अभी भी और आतंकियों के छिपे होने की कोई खबर? जी मल्लिका, अगर हम कश्मीर पुलिस के बयान को पर ध्यान रखें तो अभी जो जानकारी मिल रही है कि ये जो ऑपरेशन है ये पूरा हो चुका है और इसमें दो खूंखार आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जैसे कि आपने कहा कि इन दोनों आतंकवादियों की पहचान भी हो चुकी है, एजाज हाफिज और शाहिद अयूब। ये दोनों आतंकवादी अल बद्र आतंकी संगठन से संबंधित है और इनसे दो AK-47 राइफलें भी बरामद हुई है। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तो उसी चीज पर कार्रवाई करते हुए अब सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों की जो है पहचान कर ली है और उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया है जिन आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों की हत्याएं की, उन पर हमले किए। ये जो हमले और हुए हैं प्रवासी मजदूरों पर, ये मार्च और अप्रैल महीने में जो हमले हुए हैं उन्हीं में ये दोनों आतंकवादी शामिल थे। तो सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। IGP कश्मीर का बयान भी आ चुका है, उसमें उन्होंने पूरी जानकारी बताई है कि किस प्रकार से ये जो आतंकवादी है पुलवामा में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है, उसके बाद वहां पर एक भीषण मुठभेड़ चलती है और इस मुठभेड़ में कल देर रात जो है सुरक्षा बलों को सफलता मिलती है। मध्यरात्रि के बाद जो सुरक्षा बल है उन्होंने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई, क्योंकि जिस प्रकार से, जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीर घाटी में, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया था प्रवासी मजदूरों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और साथ ही में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, क्योंकि लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। नई रणनीति आतंकवादियों ने अपनाई है कि वो जो है एक भय का माहौल उत्पन्न करते हैं, टारगेटेड किलिंग्स करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो एक संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में अभी स्थिति सामान्य नहीं है। लेकिन अगर हम देखें पिछले एक दो वर्षों की तरफ तो लगातार जो आतंकी सरगना है टॉप कमांडर से, एक के बाद एक उनको ढेर कर दिया जा रहा है और जो पाकिस्तान सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी। और जैसे कि सुनील जी भट्ट जानकारी दे रहे थे कि ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, शुक्रिया सुनील जी भट्ट आपका। जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा।